एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में सिमई बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो बना के देखिएगा, और मैं बताऊंगी मैं कैसे सिमई बनाती हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये ले ली मैंने सिमई, सिमई को मैंने रोस्ट कर लिया है। और मटर ले लिए, शिमला मिर्च, और ये टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और विनेगर, सोया सॉस, दोनों चीज़ डालूंगी। ये यहाँ पर रखिए, और इधर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। यहाँ तेल गरम हो गया, इसमें जीरा डाल दूंगी, जीरा भुन जाएगा। इसके बाद इसमें प्याज डाल दूंगी, प्याज हल्का हल्का भून जाएगा, तो इसी में शिमला मिर्च भी भून लूंगी। तो यहाँ प्याज भून चुका है, और इसी में शिमला मिर्च डाल दूंगी, तो वो भी भून जाएगी। तो यहाँ शिमला मिर्च भी भून चुकी है, अब इसमें डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और ये डाल दिया मैंने नमक, और इसी में डाल दूंगी प्याज, वो टमाटर और हरी मिर्च। और यहाँ पे मटर डाल दूंगी। ये सारी सब्जियों को थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब इसमें मटर और टमाटर को पकाना है, तो थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी और ये पक जाएगी जल्दी से। तो मैंने 5 मिनट के लिए प्लेट से ढक दी थी सब्जी, तो सारी पक गई है, देख सकते टमाटर मटर भी पक गई है अच्छे से। अब इसी टाइम सिमई डाल दूंगी, सिमई को मिला दूंगी अच्छे से। सिमई को अच्छे से मिला दिया, अब इसी टाइम इसमें डाल दूंगी सोया सॉस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल देना है। और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा विनेगर, और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, सिमई बनकर रेडी हो जाएंगी, बहुत जल्दी से बन जाती हैं। आप पहले से इनको रोस्ट करके रख लें तो बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट से बन जाती हैं। अब बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, मिला दिया पानी। अब इसको 5 मिनट के लिए प्लेट से ढक दूंगी, बन जाएंगी अच्छे से। तो देख सकते हो सिमई बनकर हो गई है तैयार, और फटाफट से बन जाती, टाइम भी नहीं लगता। बस इसमें हरी धनिया डाल दूंगी, और सिमई बन चुकी है, ये देखिए बहुत जल्दी से बन जाती है। आप अगर जल्दी में ब्रेकफास्ट बनाएं तो बना सकते हैं, बहुत कम टाइम लगता है बनाने में। देखिए बनकर तैयार हो गई है। इधर मैंने प्लेट में भी निकाल ली है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती हैं इस तरीके से बनाने से। तो ये देखिए निकाल भी ली खाने के लिए, चलो मिलती हूँ फिर। तो मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी, आज इनकी ये छुट्टी, तो आज हम लोग फिर एक बार घूमने जा रहे हैं। आज जा रही हूँ मैं विशाल मेगा मार्ट, तो मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने सोचा चलते हैं वहीं से लाते हैं। और ये लोग भी रेडी होके नीचे पहुँच गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो चलती हूँ फिर, मिलती हूँ विशाल मेगा मार्ट में, चलो फिर। और लेडी से बहुत लेट हो गया, हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले थे, पर अंश कोचिंग पढ़ रहा था तो इसलिए टाइम हो गया, अब वो कोचिंग से छूटा है। तो अब हम लोग 3 बज रहा है, 3 बजे जा रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में है, तो जा रही हूँ फिर, चलो फिर मिलते हैं विशाल मेगा मार्ट में। तो यहाँ पर पहुँच गई मैं विशाल मेगा मार्ट, ये अंदर मैं पहुँच चुकी हूँ,
और यहाँ पर आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। वैसे जाओ तो बहुत भीड़ रहती है, बट आज बहुत कम भीड़ थी। और हम लोग ने अच्छे से शॉपिंग भी कर ली और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये सारे कलेक्शन लगे हुए हैं। यहाँ शूज़ और ये स्लीपर्स ये सब कुछ मिल रहा था। ये फर्स्ट फ्लोर में हूँ हम लोग, और फिर सेकंड फ्लोर में मिले थे इनके कपड़े और अंश के कपड़े, और सबके कपड़े भी ले लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप लोग भी देखिए, जिसने नहीं देखा है विशाल मेगा मार्ट तो वो देख सकता है कि कैसा है। जो लोग मुझे बाहर से वॉच कर रहे हैं तो वो लोग देख सकते हैं कि कैसा है। तो मैंने सारा सामान ले लिया था, और मैंने जो भी सामान लिया है वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर मैं आज अपना सामान दिखाती मैं लाई हूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ सब लेडीज़ कलेक्शन था, ये कुर्तियाँ लगी हुई थी और बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती थी, बट मुझे लेनी नहीं थी तो मैंने नहीं ली है। ये देख सकते हैं कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं विशाल मेगा मार्ट में। तो यहाँ पर कुर्ती है, टॉप है, ये सारा सामान था। तो मैंने कर ली है शॉपिंग जो भी करनी थी, और कपड़े भी बहुत अच्छे यहाँ पर मिल रहे थे, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छे कपड़े जो भी लेना था मैंने फटाफट से ले लिया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं था हम लोग के पास, तो अपना जो भी लेना था वो ले चुकी हूँ। हम लोग सामान लेके अब जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, ये सामान ले लिया है, अब सेकंड फ्लोर पर देखते हैं क्या मिलता है। तो वहाँ भी देख लेते हैं फिर तो आज चलती हूँ। तो चलो पहुँच गए हूँ सेकंड फ्लोर पर। यहाँ क्रॉकरी का सामान है टोटल, ये देखिए यहाँ टोटल क्रॉकरी मिलती है, ये सारा सामान है, गैस ये सब कुछ। बहुत अच्छा सामान है, आज शांति भी बहुत है, ज्यादा भीड़ भी नहीं है। ये माइक्रोवेव देखती हूँ, यहाँ मुझे वैसे कुछ लेना तो नहीं है, होगा लेना तो थोड़ा बहुत ले लूँगी, देखती हूँ अभी सामान क्या क्या लेना है, बट बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, देख लगता है सारा कुछ ले लूँ। देखिए ट्वाइश, इधर टैडी,
सारा बच्चों का सामान है यहाँ पर, सारे टॉयस वॉयस देखिए। पर्दे हैं देखिए, बट मुझे पर्दे लेने नहीं हैं, मेरे पड़े हुए हैं। और ये देखिए सारे पर्दे हैं यहाँ पर, और इधर पिलो रखी हुई है, ये यहाँ पर इधर भी पिलो रखी हुई है। इधर बेड सीट, सारी डबल बेड सीट ये देखिए, इधर खाली है, इधर पिलो है सारी, इधर सारी बेड सीट। ये सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं यहाँ पर, ये डब्बे किचन के, ये सारा ऊपर किचन का सामान मिलता है यहाँ पर। ये देख बहुत अच्छा अच्छा सामान है, चाय भी बना के पी ली है। इस टाइम बनाने जा रही हूँ खाना, दूध भी ले आई हूँ, तो उधर दूध गर्म हो रहा है, इधर डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आज का मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।